की मंदिर द्वार पे लगी मंदिर द्वार पे अब क्या कढ़े आजा अब क्या कढ़े आजा लगी मंदिर द्वार पे लगी मंदिर द्वार पे अब क्या कढ़े आजा अब क्या कढ़े आजा कबीर राम नाचते कबीर राम नाचते जरा पहुँचे कबीरा राम जरा पहुँचे जरा पहुँचे लगी मंदिर द्वार पे लगी मंदिर द्वार पे क्या राम नाचते हो हर बिन जियो जल बल जाओ राम नाचते हो बिन जियो जल बल जाओ जियो तपत है बारो बार राम नाचते हो जियो तपत है बारो बार तप तप खपे बहुत बेकार जेतन भारी बिसर जा जेतन भारी बिसर जा जो पक्का रोकी बिल्ला राम नाचते हो जरा पहुँचो काली हूँ फुन तोले आए बिन नावे काली हूँ फुन तोले बिन नावे पत गया गवार जरा पहुँचो जरा जीवन जो बन गया कछ किया न निकाल एह जिया निर्मल को एह जिया निर्मल को कोटि लगमी का राम नाचते हो जरा पहुँचो आया की मंदिर द्वार ते जब आग लग जाए घर में उदो कोई आखे जिमें भाई साहब ने आखे जाग कुआ खोद दियो चाहे जैसे घर लागे आग जाग कुआ खोद दियो चाहे आगे लग जाए भला उदू कोई जाग भी पवे ते जाग के उपराला भी करना चाहे ते आखे चलो खूह खोदो ते खूह खोद के पानी कट के आग बुझा देवांगे ताकि उनका ये उपराला उनकी ये सोच सफल होएगी अर्थात उद्दू उनका उद्दम व्यर्थ क्योंकि सवाल तो ऐसी बकर से कुआ खोददा। गुरु ने हमें नहीं आख्या अब न भजस भजस कब भाई बमुना भजस भजस कब भाई आवे अंत ना भजे आजाए जो कुछ करे सोई अब सार फिर पछताओ ना पावे पार। समा बीत गया कानू लगी आग क्योंकि आग कभी एक थां टिकती नहीं फिर कानू लग जाए अगे वधदी जांदी है। घर दे हर गोशे हर कोने तक पहुंचता एक पासे रही गुआढ़ियां नूं पड़ोसियां नूं भी खतरा हो जाता है। आप जिंदगी च देख लो किसी महल्ले विच अग लग जाए ते नाल दे मकान नाल दे घर भी खाली करा ले जांदे ने कि अग ने तो खलोना नहीं। घर नूं अग लग गई हुण वह चल पई अग ते चलदी चलदी दरवाजे तक पहुंच गई होर खतरनाक। अज बाबा कबीर जी का जिहड़ा ख्याल है कहंदे ने अग की है समय नाल बुझाई नहीं गई जे बुझाण का उद्यम होया भी तो निरारथ होया क्योंकि यह नहीं समझिया गया किवें अग बुझदी है। किवें बुझदी है हुण जरा मैं इत्थे रुकना चाहना। घर किहड़ा है पहले सानू ये समझना होगा तन का भी जीवन है उनके अंदर भी कोई जीवन है। कई बार आदका मैं इस विस्तार में जाना चाहता तन मैं मनुआ तन भी मंदिर है गुरु ने बाणी विच आख्या तन दे अंदर जिहड़ा मन है वह भी घर है तन दिसण वाला घर है मन अधिक घर है सूक्ष्म घर है तन स्थूल घर है मन सूक्ष्म घर है तन विच विकार रहंदे ने मन विच विचार रहंदे ने। विकार भी अग बन सकते ने विचार भी अग बन सकते ने। जदों विचार अग बनते ने उदों विकारां नालों भी ज्यादा खतरनाक होंदे ने क्योंकि सारे विकार जिहड़े ने वो विचार तो जन्म लैंदे ने। पर दोवां दा ठिकाना वखरा है वो तन विच रहंदे ने वो मन विच रहंदे ने ते अग तो दोहां नूं बचाना क्योंकि दोनों चीज़ां दी सानूं लोड़ है तन बिना भी नहीं सरदा, मन बिना भी नहीं सरदा। मैं एक बार अर्ज की सी इसे भी गुरु ने बाणी में आख दिता, कर इशनान सिमर प्रभ अपना मन तन पाए आरोग्य। दुआ दी तन दे अंदर भी अग नहीं लगनी चाहिए बेचारा, मन अंदर भी अग नहीं लगनी चाहिए बेचारा दी। बचा के रखना है, पर दुखों तक पहुंच हो गई ते तां है ना गुरु दी लोड़ क्यों है। सतगुरु ने बाणी अंदर हर गल का जवाब दिता है। सतगुरु कहते हैं घर में घर दिखाए दे, दिखाए सो सतगुर पुरख सुजान। सियाना ते सफल गुरु वो है जेड़ा तेनू घर विच घर दिखा देवे, जेड़ा अंदर लगा है, क्योंकि मनुख नू बाहरला घर दिसदा है, तन दिसदा है, मन नहीं दिसदा। इसलिए तन दी मैल धो लैंदा है, मन मैला ही मैला हो जाता है। जन्म जन्म की इस मन को मल लागी काला हुआ, ये तो होता ही नहीं क्योंकि इनू दिसदा नहीं, तन दिसदा है, मन दिसदा नहीं है। वो ही कार बल्कि बड़ा वैल्यूबल कार है। तन विच की है, मेज है, खून है, गंदगी है, दोनों पानी में भी लगता है, पर मन विच की है विचार नहीं, गुण नहीं, बल्कि निरा गुण नहीं, रब भी मन विच रहंदा है। मैं हैरान हूं ना जदों मैं इस विस्तार में जानना गुरबाणी दे इस सब्जेक्ट का, जैसा है बाबा कबीर जी का। कहते हैं मन बड़े रब रहंदा है, तन मैं मनुआ, मन मैं साचा मन मंदिर, तन साजी बार, इस ही मध्य बस्त अपार, इस ही भीतर सुनिए तशाओ। ये देख शाह मालिक जड़ा वो मन की वैल्यू ज्यादा है तन नालों ज्यादा है, पर क्योंकि सानू दिसदा नहीं इसलिए सानू बहुता फिक्र तन दे ही प्यार रहिंदा। असीं तन नूं ही सजांदे रहिंदे। आ कोई दिन दा सब्जेक्ट चल रहा कि असीं ते तन नूं ही सिख बना छड्या है। सिख दे ओ जे कपड़े होने चाहिए, सिख दा ओ जे रूप होना चाहिए, बस सिख है। मन वाल किसी का ध्यान ही नहीं क्योंकि मन दिसदा नहीं। ते गुरु दी वड्याई इसे गल विच है, वो सिख नूं घर दे अंदर घर दिखा दिंदा है। लै इहनूं भुलिया पिया, इहनूं ही साफ कर। संगरूने बाणी विच आखेआ बाहर देव पखाली है, जे मन धी है तोवे कोए। बाहरों पत्थर के देवते लिया ला के उन्होंने इशनान कराई जाना है। वो देवता एक देवता अंदर भी है, वो है मन। एक देवता अंदर भी है जे मन तो है कोई, उनका तू कभी इशनान ही नहीं कराया क्योंकि तेन दिसदा नहीं। वो रब का घर है, रब का घर है, उस बाहर हम वो घर दिखाने का मसला है। तो जदों जिथे मैं अज पुजना चाहना, बाबा कबीर जी का श्लोक जोड़ा है ये बड़ा समझने वाला है। कहते हैं तन ते मन दोहां संभालना है। अग दोहां में लग जाती लग रही है, मौत भी एक अग्नि है जिहड़ी शुरू बचपन तो ही होंदी है, नेड़े आउंदी जांदी है। ये फर्क बाबा कबीर जी का श्री गुरु ग्रंथ साहिब सब तो पहला शब्द है जिंदे विच उन्होंने ये गल कही है कि जननी जानत सुत बड़ा होत है। जननी समझती है मेरा पुत्र बड़ा हो रहा है, उन्होंने पता नहीं मौत जड़ी है वो अग ते उनके सिर ते उनके शरीर उनके तन नूं लग चुकी है। एक एक दिन करके एक एक पल करके तन जर्जरा हो रहा है। जिहड़ी बचपन दी जन्म की कोमलता सी वो 5 साल बाद बच्चे विच नहीं हुंदी, जिहड़ी 5 साल बाद कोमलता सी वो 20 साल बाद नहीं हुंदी। चलदियां चलदियां बुढ़ेपा आ जाता, फिर वो खूबसूरती उठ जाती है। जननी जानत सुत बड़ा होता है, बाबा कबीर जी का पहला शब्द है। कहते ना इतना करना जानने जो दिन दिन और घटता है, उन्होंने इन्ना को पता ही नहीं भी वड्डा नहीं पिया हुंदा, छोटा पिया हुंदा है। जिन्ने दिन जिंदगी की लिस्ट विचों जीवन की लिस्ट विचों निकल गए वो घट गए, छोटा हो गया। मोर मोर कर अधिक लाड धर, मेरा मेरा के बड़ा प्यार कर दी, गलवकड़ियां पाउंदी, मेरा पुत्र बड़ा हो रहा। मोर मोर कर अधिक लाड धर, पेखत ही जमराओ हसे। मौत दा देवता जिहड़ा है वो वेख के मां वाल हसदा है, केडी भोली है। पेखत ही जमराओ हसे, ऐसा तै जग पर भुलाया। वह सदा के दीपो रही है, छोटा हो रहा उन्होंने बड़ा हो रहा आखती है, क्योंकि जीवन के घर में आग लग गई है, जन्म तो ही लग गई है। इसलिए मौत का घर आख्या गया, संसार विच आना मरण लिखा है, मंडल में आया। इस संसार विच आने वाला जीव जेड़ा है वो मरण लिखा के आता है, पहला मौत लिखी जाती। इसलिए इन मृत मंडल जग साजिया आखते हैं, इनका ना ही मृत मंडल, मौत का इनका नाम पहला है, गुरबाणी है। मृत मंडल जग साजिया ज्यों बालू घर बार, बिनसत बार ना ला गई ज्यों कागद बंगार। मृत मंडल जदों उन्हें तन मिले, जदों ये आया है, बस उस वक्त नाल ही मौत दे शोलिया ने इनका तन का जीवन जलाना शुरू कर दिता। अग लगी तो जदों बुढ़ेपा आ गया उदों तो समझ लिया कि ये लगी हुई अग हौली हौली द्वार ते पहुंच गई है, दरवाजे ते पहुंच गई है। चंगा सी पहला ही आग बुझा लेंगे। ये घर की अग पहला बुझ जाए ना तो कुछ बच जाता है, ते जो दरवाजे तक अग पहुंच जाए फिर कढ़ेगा कितों? समान तो कढ़ना दरवाजे तो ही है। हम देखना है इस मंदिर के दरवाजे के लिए जिन्होंने अग लगी, तन के दरवाजे ने 9 द्वारे प्रगट की है, क्योंकि तन प्रगट है ना, दिसदा है। इनके दरवाजे भी दिसते हैं, जिहड़ी चीज दिसण वाली उनके दरवाजे भी दिसण वाले हैं। इसलिए कह दिता 9 द्वारे प्रगट किए। उस अनिंद्रे कि इंद्रियां नूं विकारां दी अग लग गई क्योंकि तन विच विकार ने इहनूं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दी अग लग गई इह जलांदे विकार ने तन नूं लग गए दुनिया इस देही अंदर पंच चोर वसे काम क्रोध लोभ मोह अमृत लूटे मनमुख नहीं बूझे तानू अग लग गई विकारों दी। इनके दरवाजे सन इंद्रे, वो सारे इंद्रे असमर्थ हो गए हुण विकारों तो किवें बचिया जाए। हालांकि गुरु आवाज़ दिंदा रहा इन्हूं दरवाजे तक ना पहुंचण दे अग नूं देख एक आग है वो है प्रारूप देखण दे नैनो नींद पर दृष्ट विकार सरवण सोए सुन निंद विचार रसना सोई लोभ मीठे साध मन सोया मन। हर एक इंद्र का अपना अपना हर एक दरवाजे का अपना अपना रुख अग लग गई। चंगा हुंदा जवानी विच ही इसनूं बुझा लैंदो पर तू बुझा ना सकिया क्योंकि तैनूं इस अग नूं बुझाउण दा जिहड़ा साधन सी उहदा पता नहीं सी। पर तैनूं इह दसणा चाहना गुरु कहते हैं पाठ विच तन दे सन 9 दरवाजे उपर गए सन उन्हां नूं विकारां दी अग लग गई उन्हां संभलिया कहण लगी मन अधिक सी सूक्ष्म सी तन विच ओह कीमती चीज़ां नहीं तन विच ओह कीमती चीज़ां नहीं तन विच है कोथी जाई सटिया किसे लगा दुख इह थां ही कोथी जाई है। पर एक ख्याल करी मन तन वर्गा नहीं ये बड़ा कीमती है गुरु ने बाणी विच रखिया मन ही मन को कहे कबीरा मन सा मिलिया ना कोई मन वर्गी कोई एक चीज़ तैनूं नहीं मिली। इसलिए ख्याल करी मन बड़ा कीमती है क्योंकि इनदे विच गुण वसदे ने इनदे विच गुणी वसदा है रब भी वसदा है इनू जरूर अग तो बचा ले इनू जरूर बचा ले तन ने तो अज भी अग दे हवाले होना कल भी होना उन्हें बाणी विच आखिया ठंडी ताती मिट्टी खाई तीन ही तरीके ने शरीर को गिरे लाने ले ठंडी पानी में रोड़ देना जल प्रवाह करना ताती अग के हवाले करके चिखा में जला देना मिट्टी भाव कबर में दफना देना ठंडी ताती मिट्टी खाई तीनों चीज़ा इन्हें खाने तैयार ने भावें अग खा जाए भावें पानी खा जाए भावें मिट्टी खा जाए इनका हशर तो यो ही है ना आखिर। पर कहने लगे मन सूक्ष्म है वो भी एक कार है कार में कार दिखाए थे। पर एक होर ख्याल करी वो कार जिहड़ा है ना उनदे विच गुण ने उनदे विच विचार ने उनदे विच मालिक आप वसदा। गुरबाणी ने कहा है मैं तो उल्लेख करना चाहना हर चीज़ का जवाब सानू श्री गुरु ग्रंथ साहब को काश असी श्री गुरु ग्रंथ साहब नू इसकी फिलोसफी नू समझ सकीए। गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं विच मन कोट वारिया तन के अंदर की है एक मन का कोट किला वो किला किस दा है कि निज मंदिर प्रिया मेरे मालिक का प्रिया का वो घर है बिच मन कोटवारिया निज मंदर प्रिया तै आनंद करिया। उथे रब मन दे विच बड़ा आसान ते आनंद विच रह रहा है ते वह मरदा ने जे उन्होंने अग भी लग जाए ना मन नूं ते गुण ते जल जाते ने। हर बिसरत तेरे गुण गलिया गुण ते जल जाते ने। रब नहीं जे जलदा फैसला गुरबाणी दा। इन्हें तहां आनंद करिया न मरिया न जरिया गुरबाणी दा फैसला विच मन कोटवारिया निज मंदर प्रिया तै आनंद करिया न मरिया न जरिया। ना वो मरदा है ना वो जलदा है। वो फिक्र नहीं रब दे मरण का फिक्र ना कर। उन्हें नहीं मरना ना वो मरे ना होवे सोग। फिक्र कर भी जिहड़े अंदर गुण ने वो गल रहे ने प्रगट तो गुण करने सन जिहड़े अंदर गुण ने वो गल जाए अग लग गई। इस दौर किवें बचाया जाए गुनाह वो जल जाते हैं। इसलिए फिक्र चिंता है कर कि इस घर नूं अग ना लग जाए। तेरे विचार जल जाते हैं। अज की विचारों नूं अग लग गई। अंदर ईर्खा दी अग विचारां ते है ना। द्वेषता दी अग हंकार दी अग सारी अग तो विचारां ते नतीजा निकलता है। तेरे गुण जिहड़े विचारां दे गुण सन जल गए हैं। अज मनुख को मैं देख रहा चंगे चंगे धर्मी अखवाण वाले मनुखों को भी विचारां दे गुण सड़ चुके ने। अंदर अग ही अग है। फैसला गुरबाणी दा है। इसलिए एक ख्याल करें ये मन का भी एक दरवाजा है। उनके बहुत दरवाजे ने तन दे तो नौ ने ते दसवें नूं गुप्त क्यों आखे क्योंकि मन गुप्त है। जे मन नहीं दिसदा दरवाजा भी नहीं दिसदा। तन दिसदा उहदे नौ दरवाजे ने वो दिसदे ने। इसलिए दसवां गुप्त रखाया क्यों कह देता क्योंकि मन का घर जरा गुप्त है। मन अदिख है मन सूक्ष्म है। इसलिए मन का घर जरा दरवाजा भी नहीं दिसता। कहते ने मन का दरवाजा है सुरत चेतनता उन्होंने अग लग ते जिस दिन तेरी चेतनता सुरत नूं अग लग गई ना तेरे अंदर दे जिन्ने गुण सन जिन्ने चंगियाइयां सन जिन्हां दा तू हुण तक फखर करदा है ते करदा रहा है विश्वास कर सारे गल चुके ने सारे जल चुके ने। क्यों? क्योंकि हुण वो तेरे दरवाजे नूं अग लग गई है। जे घर में ही मेरी अग लगी होंगी ना तो तू घर का समान दरवाजे राही कढ़ लेंदा पर क्योंकि दरवाजे को अग लग गई है इसलिए कितों कढ़ेगा। ये तो मेरे मालिक दी बनाया होया नियम है। जे घर में अग लगेगी तो दरवाजे तो निकलेगा। जे दरवाजा तो एक ऐसी अग है जी बचपन तो बुढ़ेपे तक तुरी ही जाती है। ना तू बचपन नूं रोक सकना ना तू जवानी नूं रोक सकना ना तू बुढ़ेपे नूं रोक सकना। तू आखे मेरा बचपन बनिया रहा किन्ने किधर बनिया रहेगा। जे तू चाहे मेरी जवानी बनी रहे किन्ने किधर बनी रहेगी। इंजेक्शन लवा लै विटामिन खा लै चंगी खुराक खा लै एक्सरसाइज कर लै भला जाता किन्ने कि दिन जवानी बनी रहेगी। गुरु ने एवं नहीं आख्या जर आई जोबन हारिया। अज तेन अपने जोबन ते अभिमान है, अपनी सुंदरता, अपनी खूबसूरती, अपने पहरावे, अपने पेख ते हंकार है। मैं किन्नी कि देर बनिया रहेगा, मुझे पता होना है। इस मंदिर के द्वार नू अग लग चुकी है। चंगा हुंदा जे तू समय नाल बुझा ले। अज मैं देखना तेरे अंदर दे सारे गुण गल चुके ने, क्योंकि तू वक्त नाल अग नहीं बुझा रहा। ते बुढ़ेपे दा दरवाजा आवेगा, उन्हें रोक नहीं सकना। कबीर कारण सो भयो जो कीनो करता है। मेरे मालिक ने जिला निजम बटा देता है, वो अटल है। कोई होर रब तेरे कोल तेरी मर्जी दा नहीं कि तू चाहे ते ओ निजम भंग करके ओ बुढ़ेपे तो बाद फिर जवानी ले आवे। कबीर कारण सो भयो जो कीनो करता है, दुश्मन दूसर को नहीं। उनके तो बिना होर कोई रब नहीं। तू वखरे वखरे रब बनाने की कोशिश ना कर, एक ही है। इसमें दूसर को नहीं, दूजा कोई होर। बस वो एक सिरजनहार, वो सारी सृष्टि नू, सारी कुदरत नू बनाने वाला कादर इको है, जिन्हें सारी कुदरत बनाई है। अजी लफजाज कुदरत दिशा है, फर्क नहीं है कादर ते कुदरत विच। कुदरत दसदी है, कादर दसदा नहीं। वो तन विच रहंदी है, वो मन विच रहंदा है। उनदा घर तन है, उनदा घर मन है। कुदरत दिशा है, कुदरत सुनी है, कुदरत भाव संसार, कुदरत पाताली आकाशी, कुदरत सर्व आकार, कुदरत वेद पुराण किताबां, कुदरत सर्व विचार, कुदरत खाना पीना पहनना, सारा कुछ तो कुदरत विच है, कादर विच नहीं। अखीर ते इसे श्लोक दे अखीर ते इक लफ्ज़ वरत दित्ते, सब तेरी कुदरत। वो जिंदी कुदरत है, वो कोई होर है। सब तेरी कुदरत, तू कादर करता, कादर तू है। तेरे बिना होर कोई दूजा नहीं निजम बनाने वाला। तू बचपन तू जवानी, जवानी तू बुढ़ेपे दा एक निजम बना देता है कि वक्त सिर संभले ना संभले, ये उनकी अपनी मर्जी है। पर उस मौत दी आग ने खलोना नहीं, दरवाजे तक पहुंचा। जो दरवाजे ते पहुंच के फिर की करेगा। आज मैं देख रहा कानू अग लग गई, गुण गल गए, केवल ते केवल हंकार, ईर्खा, द्वैखता दी अग ने सब कुछ भस्म कर दिता। मिठ बोलना पन भी खत्म, प्यार भी खत्म हो गया, सब कुछ जल गया। क्यों? क्योंकि तू दरवाजे ते पहुंची हुई अग नू भी बुझा नहीं सकिया। हुण तू केड़े गुण नू कित्थों प्रगट करेगा? बाबा कबीर जी ने इसे लिए एक गल आख दिती, कहन लगे लागी मंदिर द्वार ते कबीरा राम नाचते जरा पहुँचे जरा पहुँचे मंडा तन के दरवाजे नूं शरीरक मौत खाई जाती है। वह जाना ही जाना, उनका इन्ना फिक्र नहीं, उनके विच ऐ भी कुछ नहीं। सवाल तो यह भी मन के घर नूं अग ना लग जाए। उनके गुण है तो गुणी है, दोनों ही नहीं। गुणी की चिंता नहीं, क्योंकि वह मरता ही नहीं, वो जलता ही नहीं। गुण मर जाते हैं। इसलिए उस मन के दरवाजे को ताला मार देता है गुण रखने वाले ने। बड़ी अजीब गल बाणी में कह देती, कह लगे जिसका ग्रह तेने दिया ताला है। कीमती चीज़ है इहदे विच, ताने विच की है कुछ भी नहीं। जिसका ग्रह तेन दिया ताला, कुंजी गुरसो पाई। मालिक ने जिन्हें मन बनाया ना उन्होंने ताला मार के कुंजी गुरु नूं दे दित्ती ते एक मैसेज दे दिता लिख के, ओए अनेक वो पाप करें नहीं पावे, ये चाबी तेनों ऐवें नहीं मिल सकती बिन सतगुर शरण आए। वो कुंजी की है अनहद बाणी पूंजी, संतन हाथ राखी कुंजी। कह लगे कुंजी ऐवें नहीं मिल सकती। उस मालिक ने सारे गुण सारिया बख्शा मन में रख के उन्होंने ताला मार दिता। हुण मुश्किल तो यह बन गई, घर नूं अग लग गई, दरवाजे तक पहुँच गई, अंदरले गुण जल रहे ने। सानू अजे यह भी नहीं पता भी कुंजी किंदे कोल है, असीं तां गुरु कोल भी नहीं पहुँचदे। सानू यह भी नहीं पता कुंजी किंदे कोल है, किंदे के हाल पारिया पाईए भी दरवाजा खोल, साडा कुछ तां बच जाए। गुरु बख्शिश करे सानू, गुरु अगे हाल पारे पा के चेतनता जगा के एक गल कहनी आ जाए, है मेरे सतगुरु मेरे गुण गलन तो बचा ले। बस इन शब्दों नाल मंगा जा चुका। फतेह बुलाओ, वाहिगुरू जी का खालसा।